की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जानकारी देते कि विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीति बनाएगी बीजेपी। बीजेपी विधायक मंडल दल की आज होने वाली है बैठक। बैठक में विपक्ष के सवालों समेत तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। तो कल से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र, तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, 3 दिवसीय सत्र बताया जा रहा है और ऐसे में आज महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी बीजेपी की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल यानी कि 5 सितंबर से ये जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू होगा और ऐसे में आज महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की तरफ से आयोजित होने वाली है। कितने बजे ये बैठक होगी और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही बैठक को लेकर? बिल्कुल दीपाली, देखिए क्योंकि कल 5 सितंबर है और कल से उत्तराखंड का जो मानसून सत्र है वो यहाँ पर आहूत होना है जी। और उसको लेकर आज देर शाम यहाँ पर विधान मंडल दल की बैठक होगी और उस विधान मंडल दल की बैठक में ये तय किया जाएगा कि किस प्रकार से विपक्ष के सवालों से बचना है और किस प्रकार से विपक्ष के सवालों को का जवाब देना है, क्या रणनीति रहेगी विधानसभा में, किस प्रकार से अनुपूरक बजट को पास करना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज देर शाम यहाँ पर बैठक होगी। इसमें तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सम्मिलित होंगे, मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे और ये तय किया जाएगा कि कल से जिस प्रकार से विधानसभा सत्र शुरू होगा तो किस प्रकार से विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से सरकार अपने सवालों को जो विधायकों के सवाल होंगे उनको पेश करेगी, इसको लेकर रणनीति तय की जाएगी दीपाली जी। कैलाश जी, जरा ये भी बताएं कि कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है इस बीच सत्र के दौरान? अब बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो विधेयक हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके अलावा जो विधेयक हैं उनको पारित भी किया जाएगा। जहां तक प्रस्ताव का सवाल है, क्योंकि जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव आए होंगे उन पर मोहर लगेगी, जिसमें से जो 10% क्षतिज आरक्षण का जो मुद्दा आंदोलनकारियों का है वो कैबिनेट में पास किया गया है, उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। ऐसे जो है सरकार नीति बनाने जा रही है तो उसको लेकर भी जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया था उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसको भी ध्वनिमत के साथ पारित करने का काम यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आएगी। क्योंकि कल 5 तारीख है तो कल से मानसून सत्र चलेगा, 8 सितंबर तक ये मानसून सत्र जो है चलना है। बीच में 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है तो उसका समय कम है, क्योंकि 3 दिन का समय है और 3 दिन में सारे काम सरकार को निपटाने हैं। उसके जो शाम को जो बैठक होगी उसमें ये रणनीति तय की जाएगी कि किस प्रकार से विधानसभा सत्र को आहूत करना है, क्या क्या जो विपक्ष का रवैया रहेगा उस पर सरकार का क्या पक्ष रहना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर, किस प्रकार का व्यवहार सदन के अंदर होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज बैठक होगी जी। कैलाश जी, विपक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से मुख्य मुद्दों पर विपक्ष जो है घेर सकता है मौजूदा सरकार को? देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष तमाम मुद्दे विपक्ष के पास भरे पड़े हैं, क्योंकि चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बढ़ते पेट्रोल के दाम की बात करें, सब्जियों की बात करें, या जो रोजमर्रा की जो खाद्य सामग्री है उनकी बात करें, बढ़ते हुए गैस सिलेंडरों के दामों की बात करें, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उसके अलावा बेरोजगारों का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, जो किसानों के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष जो है घेरने का काम यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा जी। कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहेगा और पल पल की अपडेट और खबरों पर आपसे लेते रहेंगे। तो जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण बैठक जो है यहाँ पर आयोजित की जाएगी, किस तरीके से विपक्षी के सवालों का बेबाकी से जवाब देना है इसको लेकर एक रोडमैप जो है वो तैयार किया।